A very good afternoon to all of you. Today we will see our chapter number 3, that is metrology. So first of all, what is metrology? So metrology is a science of measurement embracing both experimental and theoretical determination at any level of uncertainty in the field of science as defined by International Bureau of Weight and मेजरमेंट. तो जो मेट्रोलॉजी जो चैप्टर है, तो उसमें हम जो सीखने वाले हैं आज, वो ये है कि हम जो वेट है, जो जितनी भी हम फॉर्मुलेशंस बनाते हैं फॉर जितनी भी हम एग्जाम केमिकल्स को वे करके हम बनाते हैं, तो वो हम कैसे बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे कि पिछले ज़माने में जो वेइंग बैलेंस है वो नहीं हुआ करता था, तो हम किस बेसिस पे ये डिसाइड करते थे कि हमको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. पहले किलो किलो किलोग्राम का कंसेप्ट नहीं था, पहले औंस का कंसेप्ट नहीं था, पहले किसी चीज़ का इस तरह से कंसेप्ट नहीं था. तो लोग जो हम जो वेट जिसे हमको जो मिल्क है वो 1 लीटर के इसमें मिलता है हमको, और जो जो ऐसी मेजरमेंट जैसे कि जो वॉल्यूम है जिसको जैसे कि कोई मास है फॉर एग्जांपल, तो हमको किस चीज़ में मिलता है, किलो के अंदर मिलता है. तो हम ये किस बेसिस पे डिसाइड करते थे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते थे. तो हम इस चैप्टर में आज ये सीखने वाले हैं कि जब पिछले जब जो पिछला दौर था, जो पिछली सदी में जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो जब मेडिसिन्स को लेते थे. फॉर एग्जांपल आज हम जैसे हम देखते हैं मार्केट में, हम अगर हमको कोई भी मेडिसिन्स लेनी हो, तो हम वो मेडिसिन्स को जब लेते हैं तो एक पर्टिकुलर डोज के ऊपर लेते हैं कि इतनी एमजी ड्रग, फॉर एग्जांपल 500 mg ऑफ पैरासीटामोल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन. मतलब जो 500 mg का जो ड्रग होता है वो रिक्वायर्ड होता है कि हमको 500 mg से पैरासीटामोल का इफेक्ट देखने को मिल सकता है. तो हम किस बेसिस पर वो कैलकुलेट करते थे कि हमको कितना ड्रग कंज्यूम करना है, या एक डोज के अंदर हमको कितना प्रिपेयर, एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन में हमको कितना ड्रग लेना है, या फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई प्रिपरेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल सिरप एक्सेट्रा हमको कुछ बनाना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल के इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी लेनी है, और जो दूसरी क्वांटिटीज़ है वो कितनी लेनी है. सो जो मेट्रोलॉजी थी, जो हम इसको जब हम सीखेंगे, तो इसमें सबसे पहली जो दो मेन मेथड है वो कौन कौन सी है, एक है इम्पीरियल सिस्टम और एक है मैट्रिक सिस्टम. सबसे पहले जब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आपके जो कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है वो ये दो मेथड्स के है, कि आपको इस दो मेथड्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो इम्पीरियल सिस्टम थी, तो मतलब ये कौन कौन सी मेथड है, ये मेथड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमको वेट कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी ड्रग का वेट, अगर कोई ड्रग पाउडर फॉर्म में है और अगर उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. या फॉर एग्जांपल अगर हमको एज अ व्हीकल वाटर यूज़ करना है, जैसे हम हमारे प्रिपरेशन में देखते हैं कि हमको 1 ग्राम ऑफ जो है वो सॉल्यूट रिक्वायर्ड होता है, और जो सॉल्यूशन है वो 100 ml रिक्वायर्ड होता है. वो जो 100 हम कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर उस 100 ml के अंदर कितना वाटर आता है, या कितना उसमें हनी आता है, या कितना उसमें कितनी क्वांटिटी आती है उसमें, और हमने किस तरह से डिसाइड किया उसको कि 1 ml में कितना क्वांटिटी होने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ की, या फिर 1 ग्राम के अंदर कितना ड्रग आना चाहिए, या कितना मास वहाँ पर 1 ग्राम बोलने के बाद कितना मास वहाँ पर आना चाहिए. तो ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए जो ग्राम का कंसेप्ट है, ये सब ये कंसेप्ट अभी बाद में आया, लेकिन इससे पहले जब ये सब कंसेप्ट नहीं था तो फिर कैसा था, हम कैसे करते थे ये सब. तो इसकी दो सिस्टम थी, सबसे पहले इम्पीरियल सिस्टम और एक है मैट्रिक सिस्टम. तो जो इम्पीरियल सिस्टम है वो क्या है, कि इम्पीरियल मीन्स व्हाट, व्हाट डू मीन बाय इम्पीरियल. इम्पीरियल के जो वर्ड है इम्पीरियल, उसके मीनिंग होते हैं रिलेटिंग टू समथिंग, मतलब जो किसी चीज़ से रिलेट करना, वेट को उसके उस चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करना. तो इसमें उन्होंने क्या डिफिनेशन दिए, इट्स एन ओल्ड सिस्टम बट स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम, सो द फार्मासिस्ट शुड बी फेमिलियर विद दिस सिस्टम. मतलब क्या कि भाई ये जो सिस्टम है, ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम जब मेडिसिंस को हम डोज कैलकुलेट करते थे, तो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते थे, जैसे कि हमने देखा कि इम्पीरियल मीन्स व्हाट, रिलेटिंग टू समथिंग, हम किसी चीज़ से रिलेट करते थे. फॉर एग्जांपल कि एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि जिसका कुछ वेट है, फॉर एग्जांपल ये चौक है, तो ये चौक का जितना वेट है
उतनी ही वेट की अगर हमको कोई मेडिसिन लेनी है तो उसको हम बोलेंगे कि इंपीरियल सिस्टम में हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे कि अगर इस चौक की साइज़ की हमको मेडिसिन इतना जो उसका वेट है उतनी हमको अगर मेडिसिन लेनी है तो उतनी ही मास वाला जो हमारा ड्रग है वो हमको लेना पड़ेगा, तो इस तरह से हम रिलेट करते थे उस टाइम पर। तो ये जो दो मेथड है इंपीरियल, तो इंपीरियल मतलब क्या कि रिलेट करना, कि हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई मेडिसिन लेनी है तो उसमें हम कितने ग्रेन्स जो है वो जो ग्रेन्स का वेट है वो हम आगे देखेंगे कि कन्वर्जन किस तरह से किया हमने, तो जो कितने ग्रेन्स रिक्वायर्ड है एक, जैसे कि अगर हमको 1 ग्राम मेडिसिन लेनी, 1 ग्राम हमको ड्रग लेना है तो 1 ग्राम ड्रग हम कैसे बोलेंगे कि 1 ग्राम ड्रग है, तो 1 ग्राम ड्रग हम कौन सी बेसिस में बोलेंगे कि उस 1 ग्राम ड्रग को मिलने के लिए हमको कितने ग्रेन वहाँ पर पर्टिकुलर जो ग्रेन्स होते हैं हमारे वो कितने ग्रेन्स वहाँ पर हमको लगते हैं 1 ग्राम का वेट करने के लिए, तो उस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको कितना ड्रग लेना है। तो जो नंबर ऑफ ग्रेन्स रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि 1 ग्राम के लिए कितने ग्रेन वहाँ पर लगते हैं। तो जो मेजरमेंट है इंपीरियल सिस्टम में वो हम देखेंगे कि मेजरमेंट हम इंपीरियल सिस्टम में किस तरह से करते थे। सो द इंपीरियल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, मतलब कि जो इंपीरियल सिस्टम थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया किसी भी वेट को मेजर करने के लिए। तो उसमें जो पहला जो सिस्टम था वो कौन सा था, ओवाइडोपस सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज एफेथुकैरिस सिस्टम। तो जो ओवाइडोपस सिस्टम था उसमें क्या था कि इन दिस सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग एंड ऑल मेजर्स ऑफ मास आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंपीरियल स्टैंडर्ड पाउंड LV। मतलब कि ये जो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो मेट्रिक सिस्टम है, जो मेट्रोलॉजी है उसमें 2 सिस्टम होती है, इंपीरियल सिस्टम और एक मेट्रिक सिस्टम। तो जो उसमें मेट्रिक सिस्टम होती है उसमें और 2 मेथड होती है किस लिए, वेट को मेजर करने के लिए। तो वेट को मेजर करने के लिए जो 2 सिस्टम है इंपीरियल सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी है, ओवाइडोपस सिस्टम और एफेथुकैरिस सिस्टम। तो ओवाइडोपस सिस्टम जो थी उसमें क्या था कि जो पाउंड है, पाउंड्स सुना है आपने कि LV में, जैसे हम जब हम किसी चीज़ का वेट कैलकुलेट करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आप नेट पर अपना वेट चेक करोगे, नेट पर अगर आप दो तरह के मेजरमेंट होते हैं कि अगर आपको वेट चेक करना है या मास चेक करना है, तो 2 तरह के वेट होते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर और 1 पाउंड्स के अंदर। तो किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम्स मतलब हाउ मच पाउंड, तो ये दोनों डिफरेंस होता है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों इकाई है कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ओवाइडोपस सिस्टम थी इसके अंदर उन्होंने पाउंड, ये एक इनका स्टैंडर्ड था कि हम पाउंड की बेसिस पे यहाँ पे वो कैलकुलेट करते थे किसी भी ड्रग को। तो उन्होंने देखो यहाँ पे क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पे टेबल बताया हमको कि 1 LB मतलब कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 ओज या ओवियर जिसको हम बोलेंगे, कि जो 1 पाउंड था वो सिमिलर था कितने, किसके, 16 ओवियर के, ये 16 ओज के। तो ओज क्या है ये, सो ओज इज अ यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 1/16 ऑफ अ पाउंड। मतलब कि ये जो ओज है वो क्या है कि मतलब 1 ओज, मतलब ये सबसे पहले तो क्या देखना है, जो ओज है, जो ओवियर है वो क्या है, जिस तरह से पाउंड एक इकाई है उसी तरह से ओज भी क्या है, जो वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ओज। तो उन्होंने बोला है कि इसमें हम क्या करते थे कि जो 1 पाउंड है या 1 पाउंड जो है तो वो किसके सिमिलर है, वो 16 ओज के क्या है, वो सिमिलर है। तो जो 1 ओज है इसमें से किस, जो उन्होंने क्या बोला कि 1 पाउंड इज सिमिलर टू 16 ओज या ओवियर, और फिर उन्होंने क्या बोला है कि जो 1 ओज है या जो 1 ओवियर है वो क्या है कि उसका वेट कितना है, 1 ओवियर का 4037.5 ग्रेन, मतलब कि 4037.5 ग्रेन। ये क्या है कि इतना अगर ग्रेन्स है वहाँ पर तो हम इसको बोलेंगे 1 ओज, कितनी, 4037.5, या अगर इतनी ग्रेन है तो हम उसको बोलेंगे कि वो 1 ओज है। तो अगर हम सिंपली 4037.5 इज मल्टीप्लाई बाय कितने 16 से करेंगे इसको, तो कितना क्या आएगा यहाँ पे हमारा, ये जो आएगा वैल्यू वो आएंगी 1 पाउंड के लिए, मतलब कि 1 पाउंड में कितने ग्रेन बोल रहे हैं वो, कि 1 पाउंड में होते हैं 7000 ग्रेन, मतलब कि 1 पाउंड में 7000 ग्रेन होते हैं, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 1 पाउंड मतलब कितने ग्रेन, 7000
1000 ग्रेन, और उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 pound मतलब कितने ओज, 16 ओज। तो जो एक ओज का वजन है वो कितना है, एक ओज मतलब कि एक ओज यानी कि एक ओवियर मतलब कितना वेट है उसका, 437.5 ग्रेन्स उसका वेट है। तो उसी तरह से जो ये एक टेबल है जिसकी बेसिस पे हम कन्वर्जन करते हैं वेट का कि कितने वेट होने के मतलब कि मतलब इसमें सिंपल हमको क्या याद रखना है, देखो कि हमको इसमें ओज याद रखना है, इसमें हमको ओज यानी कि ओवियर याद रखना है, मतलब क्या कि जो वन ओवियर है उसका वेट कितना होता है, 437.5 ग्रेन। मतलब अगर हमने 437.5 ग्रेन्स अगर हमने लिए तो उसको हम बोलेंगे कि ये कितना वेट है, वन ओवियर के बराबर है, और अगर 16 ओवियर है तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि ये 1 pound है। इस तरह से हम यहाँ पे वेट को मेजरमेंट करते थे। और उसी तरह से जो अपोथिकेरीज की सिस्टम थी, तो इस सिस्टम में दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड वेट इन दिस सिस्टम एंड ऑल द अदर वेट्स आर ड्राइड फ्रॉम इट। तो जो जितने भी वेट्स थे उसमें देखो, जैसे कि हमने अपोथिकेरीज जो ओवरडोपियस सिस्टम थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो पाउंड है वो क्या है, स्टैंडर्ड है उस वेट को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जो अपोथिकेरीज की सिस्टम थी उसमें क्या है कि ग्रेन ग्रेन की बेसिस पर उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट किया था कि, यानी कि देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर 50 ग्रेन है तो किसके इज इक्वल टू है, 1 scurvel के। तो ये स्कर्बल क्या है, ये वेट मेजर करने की एक इकाई है। तो जिसको हम बोलेंगे कि अगर वहाँ पर 20 ग्रेन्स है तो उसको हम बोलेंगे 1 scurvel। एंड अगर इफ देर आर 60 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 drachm एंड 480 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 ounce। 1 ounce मतलब क्या, 1 ounce मतलब 1 ounce के बराबर कितनी होती है ग्रेन्स, 480। किसकी किस फोर्स के सिस्टम में, एपोथिकेरीज की सिस्टम में। सो इसी तरह से उन्होंने आगे फर्दर उनका जो कैलकुलेशन दिया है वो ये इस बेसिस पे दिया है कि जो 8 drachm है मतलब वो क्या है, 1 ounce है, और 12 ounce मतलब 1 pound। 12 ounce मतलब कितना, 1 pound। और 5706 जो ग्रेन है, तो ये जो ग्रेन है ये किसके इक्वल है, 1 pound के। तो अगर हमको मेजरमेंट करना है तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हमने अभी तक किस चीज़ के बारे में देखा मेजरमेंट के, कि हमको मेजरमेंट करना है किस चीज़ का, वेट का, मास का अगर हमको मेज़र करना है। लेकिन अगर हमको इसी सिस्टम इम्पीरियल सिस्टम के अंदर अगर हमको क्या करना है, कैपेसिटी की, कितना कैपेसिटी मतलब वाटर की कितना कैपेसिटी हम यहाँ पे कैपेसिटी अगर हमको मेज़र करना, जैसे कि हमने पिछली बार क्या मेज़र किए, हमने वेट मेज़र किए, और इस बार हम क्या मेज़र कर रहे हैं कि कैपेसिटी। तो अगर हमको इम्पीरियल सिस्टम की मदद से कैपेसिटी मेज़र करनी है, तो यहाँ पर उन्होंने टेबल दिया है कि 1 gallon मतलब कितना, 160 fluid ounce। कितना, 160। 1 gallon मतलब कितना, 160 fluid ounce। तो 1/4 ऑफ द गैलन इज इक्वल टू 1 quart। तो इस तरह से उन्होंने इसके कन्वर्जन दिए है कि हम एक पर्टिकुलर अगर हमको कैपेसिटी मेजरमेंट करनी है तो हम 1 gallon मतलब कितना, 1 quart मतलब कितना, 1 pint मतलब कितना, एंड 1 fluid ounce मतलब कितना। इस तरह से उन्होंने ये टेबल दिया है। फिर उसी तरह से हम नेक्स्ट टेबल अगर देखेंगे तो नेक्स्ट टेबल में क्या है, वेट को हम अगर सिस्टम को, जैसे कि वेट अभी देखो हमने अभी तक के क्या देखे थे कि इंपीरियल सिस्टम क्या होती है। तो अब अगर हम मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम कौन सी, जो अब हम अभी जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब क्या कि जैसे कि जितने भी हम वेट अभी देखते हैं वो किस चीज़ में होते हैं, वो ग्राम के अंदर होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि ड्रैकम ओज या फिर इस तरह से। आप अभी तक हमने सिस्टम देखा क्या, नहीं, जितने भी हमने अभी तक फॉर्मुलेशन देखी या फिर जितनी भी फॉर्मुलेशन हम अभी यूज़ करते हैं, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें उन्होंने जितने भी फॉर्मूले दिए हैं किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो उन्होंने किस चीज़ में दिया है हमको, ये हमको उन्होंने दिया है मैट्रिक सिस्टम के अंदर। मैट्रिक सिस्टम मतलब कौन सी सिस्टम, ग्राम्स के अंदर जो होता है, देखो है ना। तो यहाँ पे हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, अ किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड ऑल अदर मेजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। मतलब कि जो मैट्रिक सिस्टम होती है वो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें किलोग्राम जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और जो इंपीरियल सिस्टम है उसमें क्या है, इंपीरियल सिस्टम अगर हमने दो टाइप के, अगर उसमें ओवरडोपियस सिस्टम देखी तो उसमें क्या है, पाउंड, ये उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जो मैट्रिक सिस्टम है उसके अंदर जो इंडियन फार्माकोपिया है हमारी, तो वो कौन सा सिस्टम यूज़ करती है, मैट्रिक सिस्टम। द मैट्रिक सिस्टम इज यूज इन द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। तो वेट और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। तो
इसी तरह से उन्होंने इसका भी टेबल दिया है कि 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1000 ग्राम, 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, एंड 1 डिकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम, 1 मिलीग्राम इज यानी कि mg इज इक्वल टू 0.001 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 0.0000001 ग्राम, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। तो इसी तरह से अगर हमको इस सिस्टम में वेट ये जो टेबल था वो किस लिए था, कि ये जो टेबल था वो था ग्राम्स के लिए। लेकिन इसी तरह से हम अगर हम देखेंगे कि हमको अगर कैपेसिटी मेजर करनी है, जो कैपेसिटी और वेट है ये दो डिफरेंट थिंग है ना। वेट अगर कैलकुलेट करना है हमको तो हम किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हमको कैपेसिटी मतलब क्या, बॉटल जैसे कि जो आप अगर बॉटल देखते हो पानी की, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 1 लीटर बॉटल, तो उसकी क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है कि उस बॉटल की कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर लिक्विड उसमें हम उसको पोर कर सकते हैं, या उसकी कैपेसिटी है कि वो उसमें 1 लीटर वाटर वापस में आ सकता है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर मतलब यानी कि ml। सो यहाँ पे उन्होंने भी कन्वर्जन टेबल दिया है मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर। तो द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया डज ओनली द मैट्रिक्स सिस्टम इन फॉर्मूले, बट द प्रिस्क्रिप्शन आर स्टिल रिटन इन इंपीरियल सिस्टम बाय मेनी ऑफ द ओल्ड टाइम फिजिशियन। सो अ कन्वर्जन टेबल गिवन ब्लो इज यूज फॉर द फार्मासिस्ट। मतलब कि देखो, ये जो चैप्टर का इंपॉर्टेंस है ये तुम्हारे लिए क्यों है, जैसे कि अभी तुम लोग बोलेंगे कि भाई हम तो ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं सब, तो फिर हमको इंपीरियल सिस्टम क्यों समझना है, हमको ये मैट्रिक्स और इंपीरियल या मेट्रोलॉजी हमको क्यों समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कि एज अ हिस्ट्री, कि ये जो हमारे दिमाग में से क्वेश्चन आते हैं ना कि ये जो कन्वर्जन है भाई ग्राम का, ये कैसे पता चला कि 1 ग्राम के अंदर इतना ही लिक्विड इतना ही मास आना चाहिए, या फिर 1 लीटर के अंदर इतना ही लिक्विड आना चाहिए, तो ये कहाँ से आया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया। एक तो इससे हमारी ये क्लेरिफाई होगा, और दूसरी बात ये कि जब हम इंडियन फार्माकोपिया फॉलो कर रहे हैं और उसमें सारी की सारी मैट्रिक सिस्टम है, तो भाई जब वहाँ पर सारी मैट्रिक सिस्टम है तो हमको यहाँ पर उन्होंने ये जो इंपेरियल सिस्टम है उसका कैलकुलेट का कन्वर्जन करने के लिए क्यों बोला है। तो इसलिए क्योंकि जितने भी अभी ओल्ड फिजिशियन हैं वो अभी भी ड्रग्स को किस चीज़ में देते हैं, ग्राम्स के अंदर। अगर हम इसको तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये एज़ कम्पेयर टू योर अदर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी आपको थोड़ी एक दो एग्जाम्पल्स याद रखनी है, और ये जो कन्वर्जन है ये कैसे होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 oz मीन्स हाउ मेनी ग्रेन। सो इस तरह से क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और 5 मार्क के लिए अगर आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला तो उस तरह से आ सकते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, वो कन्वर्जन कैसे करेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो सिस्टम है इसमें उन्होंने सबसे पहले कन्वर्जन टेबल दिया है, जिसमें अगर हमको वेट मेजर करना है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 lb, यानी कि 1 पॉइंट यानी कि कितना 2.2 pound इज इक्वल टू 1 ग्राम, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम है ये इज इक्वल टू 2.2 pound है। मतलब कि जो एलबी देखे थे, जो मतलब जो पाउंड देखे थे हमने, तो मतलब जो पाउंड होता है वो अगर उसका वेट 2.2 है तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये 1 किलोग्राम है। तो जो देखो, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो सारे कैलकुलेशन आने वाले हैं वो सारे इसी कन्वर्जन टेबल की बेसिस पर आने वाले हैं आगे। तो वहाँ पर आपको इस टाइम में बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो आपको जो चीज़ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो ये है कि वो ये कन्वर्जन टेबल, कि आप कैसे वैल्यूज़ की कन्वर्जन करते हो उसी बेसिस पे आपको सारी की सारी कैलकुलेट करनी है। सो वेट मेजर्स करना है आपको यहाँ पे, कि भाई अगर कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक सिस्टम से इंपीरियल के अंदर, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि 30 ग्राम, तो ये कौन सी मैट्रिक सिस्टम का है, अगर हमने इसको कन्वर्ट किए तो कितना होता है 1 ounce, 30 ग्राम मतलब कितना 1 ounce। इसी तरह से 450 ग्राम मतलब कितना 1 pound, और इसी तरह से 1 ग्राम मतलब कितना 15 grains, कितना 1 ग्राम मतलब 15 grains, मतलब कि जितना 15 grains का वेट होगा उतना हम कंसिडर करेंगे कि वो 1 ग्राम वहाँ पे उसकी क्या है, वैल्यू है। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है कि 60 mg, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 60 mg मतलब कितना 1 ग्रेन, और 1 ग्रेन जब हम डिवाइड करेंगे कि जो 1 ग्रेन है 60 mg की, उसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 15 ग्रेन से, तो जो अमाउंट आने वाली है वहाँ पे तो आएंगी 1 ग्राम। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि 60 mg को हम कंसिडर करते हैं कि वो 1 ग्रेन का वेट है, लेकिन अगर हम 15 ग्रेन लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 ग्राम के आसपास उसका वेट है। इसी तरह से कैपेसिटी मेजरमेंट है यहाँ पे, जैसे हमने वेट के लिए देखा इसी तरह से कैपेसिटी। तो जब हम बोलेंगे कि हमको अगर 1000 ml की प्रिपरेशन बनानी है,
या तो और अगर वहाँ पे लिखा है कि हमको वन कॉर्ड की प्रिपरेशन बनानी है आपको, तो वन कॉर्ड मतलब कितना, 1000 ml, और अगर वहाँ पे लिखा है कि वन पिंट तो मतलब कितनी प्रिपरेशन बनानी है हमको उसके लिए, 500 ml, और अगर वहाँ पे लिखा है कि 30 ml, सॉरी वहाँ पे लिखा है कि वन फ्लूड आउंस लिखा है वहाँ पे, वन फ्लूड आउंस लिखा है, इसका मतलब क्या कि वो प्रिपरेशन कितनी इतनी ml की है, 30 ml की प्रिपरेशन है। और इसी तरह से अगर 4 ml की प्रिपरेशन, इसी तरह से अगर वन फ्लूड ड्रैकम लिखा है वहाँ पे तो हम बोलेंगे कि ये 4 ml की प्रिपरेशन है। इसी तरह से अगर 1 ml की अगर हमको प्रिपरेशन बनानी है तो उसके लिए हमको कितनी वहाँ पे क्या उसका एब्रिवेशन रहेगा, 15 minims, और अगर हमको 0.06 ml को डिनोटिफाई करना है तो उसका हम क्या बोलेंगे, 1 minim। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जो कन्वर्जन टेबल है डोमेस्टिक मीजर्स का, जैसे कि वन ड्रॉप मतलब भाई कितना, जैसे कि हमने अगर वाटर की वन ड्रॉप लिए तो मेट्रिक सिस्टम में उसका वेट कितना रहेगा, 0.06 ml, लेकिन इंपीरियल सिस्टम में कितना रहेगा उसका, 1 minim। और अगर वन टीस्पून फुल लिए अगर हमने, यानी जो टी स्पून होता है हमारा उसको अगर हमने फुल उसमें वाटर लिए तो कितना ml रहेगा, 4 ml, लेकिन इंपीरियल सिस्टम में उसको क्या बोलेंगे, 1 fluid dracum। तो उसी तरह से ये सारे टेबल का कन्वर्जन है। इसमें से आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 tablespoonful मतलब कितना इसका कन्वर्जन, मतलब 1 tablespoonful है उसका कन्वर्जन जो है वो इंपीरियल सिस्टम में कितना होता है, तो तुमको वहाँ पे बोलते रहना चाहिए कि 1 tablespoonful मतलब इंपीरियल सिस्टम में 4 fluid dracum। तो इस तरह से वो दो दो मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको ये जो टेबल्स है वो अच्छी तरीके से याद करके रखने हैं, इनके कन्वर्जन अच्छी तरीके से याद करके रखने हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट चालू होने वाला है वो ये है कि हमको कैलकुलेशन इस चीज़ के लिए कैसे करने हैं। तो द फार्माकोपिया हैज़ एक्सप्रेस्ड परसेंट इन डिफाइनिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस विद एनी वन ऑफ द 4 different meanings दीज आर, मतलब कि देखो सबसे पहले तो आपका सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँगा कि आप अगर मार्केट में कोई भी प्रिपरेशन देखते हो तो वहाँ पर आपको जितनी भी सॉल्यूशन प्रिपरेशन मिलती है तो वहाँ पर आपको इस तरह से मिलती होंगी कि वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट या वेट बाय वेट। तो अगर हमको एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है तो हमको हम ये आज ये देखेंगे कि अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन अगर या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर हमको सॉल्यूशन की कैलकुलेशन करने हैं, अगर हमको उसको बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो ये उन्होंने चार हमारे इंडियन फार्माकोपिया ने परसेंट डिसाइड किया है कि जैसे कि जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनता है कि वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमको उसमें सॉल्यूट यानी कि जो ड्रग है हमारा वो कितना लगने वाला है और कितना परसेंट ड्रग या सॉल्यूट हमको लगेगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो उसके लिए हमको जो इंडियन फार्माकोपिया उन्होंने कौन सा टर्म वहाँ पे फॉर्म किया, परसेंट। तो देखो जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले परसेंट वेट बाय वेट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर एक 100 ग्राम का प्रोडक्ट है तो उसमें जो ये क्या करेगा कि नंबर ऑफ ये जो क्या डिनोटिफाई करेगा इसमें कि अगर वहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल वन ग्राम वेट बाय वेट प्रिपरेशन, वहाँ पे अगर ऐसा लिखा है तो उसका मतलब क्या है, क्या एक्सप्रेस करेगा द नंबर ऑफ ग्राम्स, मतलब कि वहाँ पे कितने ग्राम एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है 100 किस चीज़ में 100 ग्राम में, मतलब कि जो दो फेजे, मतलब जैसे कि हम यूजुअली लिक्विड जो बनाते हैं प्रिपरेशन उसमें एक सॉलिड होता है और एक सॉल्वेंट होता है, लेकिन अगर हमको दोनों भी ऐसी चीज़ है जो दोनों की दोनों कौन सी है सॉलिड फेज में है, दोनों की दोनों सॉल्यूट है, या फिर हम जिसको बोलेंगे कि एक जो दोनों फेज है वो सॉलिड फेज है, तो सॉलिड फेज अगर दोनों है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो किस चीज़ में है, नंबर ऑफ ग्राम्स, मतलब कि जो परसेंट डिसाइड करेगा। अगर वहाँ पर लिखा है कि 1.5 वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या है कि 1.5, तो ये जो 1.5 है ये क्या है कि ये इतना ग्राम इज ये ऐसे बोलेंगे हम कि 1.5 क्या है कि उतनी अमाउंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर 100 ग्राम के प्रोडक्ट के अंदर। उसी तरह से जो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या कि ये थोड़ा इजी है, देखो हमारे लिए वेट बाय वॉल्यूम हम हमेशा देखते रहते हैं प्रिपरेशन, जैसे कि आप अगर सलाइन देखते हो तो सलाइन के ऊपर हमेशा लिखा होता है NaCl वेट बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन, है ना NaCl। तो NaCl में क्या होता है कि NaCl क्या होता है, वहाँ पे सॉल्यूट होता है और तो उसमें क्या लिखा होता है, मतलब वो कि उतना परसेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस वहाँ पर हमने ऐड किया है इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर। सो परसेंट वेट इन वॉल्यूम एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कितना नंबर ऑफ ग्राम्स उस वाटर में उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है किसमें इन
100 मिलीलीटर्स के अंदर, और इसी तरह से नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हमको जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल का अगर कैलकुलेट करना है, अगर हमको अल्कोहल की सॉल्यूशन बनानी है, तो अल्कोहल क्या है, एक लिक्विड फेज है। अगर हमको उसको डाइल्यूट करना है, जैसे कि हम अभी हमारे प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि 90% अल्कोहल, 20% अल्कोहल, 30%, तो जो 30% है इसका मतलब क्या है कि 30 ml अल्कोहल 100 ml वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह से। तो ये इस तरह से हम उसको वेट बाय वॉल्यूम में बोलेंगे कि परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर, मतलब कितना ml अल्कोहल जो है वहाँ पर इन एक्टिव सब्सटेंस ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि ये जो प्रिपरेशन है ये 30 ml अल्कोहल की प्रिपरेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 ml उस प्रिपरेशन में एक्टिव सब्सटेंस है, और जो रिमेनिंग है वो, ये तो जो हमने 30% किस में बोला कि अगर वो प्रिपरेशन 100 ml की है तो उसमें से 30 ml क्या है, 30% क्या है उसमें से वॉल्यूम एक्टिव फार्मास्यूटिकल यानी कि अल्कोहल का है। सो इसी तरह से परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, मतलब परसेंट वॉल्यूम बाय वेट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। कोई सॉलिड फेज है और उसमें अगर हमको एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है हमारा, अगर वो लिक्विड फेज में, अगर वो कौन सी फेज में है, अगर वो लिक्विड फेज में है, तो जो किसको कितना मिलीलीटर है, हाउ मच मिलीलीटर ऑफ अमाउंट इज रिक्वायर्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। सो ये चारों चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखनी है, उसके बाद में हम एक एक करके कैलकुलेशन देखेंगे सारे कि अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है, वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड एंड इन लिक्विड इज एक्सप्रेस एज परसेंट एज वेट इन वॉल्यूम, परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एज परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम एंड द गैसेज इन लिक्विड एज परसेंट वेट इन वेट। तो भाई इस तरह से हम ये डिनोटिफाई करेंगे। तो उसके बाद क्या है, कॉमन फार्मूला यूज इन परसेंटेज कैलकुलेशन। तो उन्होंने यहाँ पे कॉमन फार्मूले बताया है कि किस तरह से तुम इंपीरियल सिस्टम की कैलकुलेशन को कन्वर्ट करके मैट्रिक सिस्टम में उसको हम बना सकते हैं। तो उसमें अगर उन्होंने पहली एग्जाम्पल दी है कि प्रिपरेशन ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन द इंपीरियल सिस्टम, मतलब कि अगर हमको इंपीरियल सिस्टम की बेसिस से 1% सॉल्यूशन बनाना है इंपीरियल सिस्टम की बेसिस, तो कैसे बनाएंगे कि जो सॉलिड है, जैसे कि अगर हमको 1% अगर मैट्रिक सिस्टम में बनानी होती थी हमको, तो हम क्या करते थे, 1 ग्राम लेते थे किस चीज़ का, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उनका, और उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते थे 100 ml के अंदर 1 ग्राम को। तो ये जो प्रिपरेशन है इसको मैट्रिक सिस्टम से हम इस तरह से करते थे अगर हमको 1% किसी सॉल्यूशन को बनाना होता था तो। लेकिन अगर हमको ये इंपीरियल सिस्टम से बनानी है, तो जो सॉलिड है, जो यहाँ पे हमने 1 ग्राम लिया था मैट्रिक सिस्टम के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सॉलिड को 1 ग्रेन, नॉट ग्राम, क्या 1 ग्रेन। तो 1 ग्रेन मतलब हमने कितना वेट देखा था 1 ग्रेन का, 60 mg, है ना, कितना वेट देखा था हमने उसका यहाँ पे, 60 mg। मतलब 60 mg मतलब क्या, ये किस चीज़ का, ये जो 60 mg है ये मैट्रिक सिस्टम उसका कन्वर्जन है। लेकिन अगर हम उसको इंपीरियल सिस्टम में देखेंगे तो उसका वेट कितना हुआ, 1 ग्राम। तो अगर हमको 1 इंपीरियल सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो जो सॉलिड है वो कितना चाहिए हमको, 1 ग्रेन, मतलब उसका वेट कितना होना चाहिए, 1. उसका जो वेट है हमारे ड्रग का वो 1 ग्रेन के जितना होना चाहिए। तो 1 ग्रेन के जितना वेट, मतलब अगर हम उसको मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है वो, 60। उसके बाद में जो सॉलिड है वो क्या है कि 4.375, मतलब क्या, देखो हमने जब देखा था कि हमको मैट्रिक सिस्टम में अगर ये प्रिपरेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम किस चीज़ में लेंगे, 100 ml के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पे सॉलिड उन्होंने क्या किया है कि कितना लिया है सॉलिड, सॉरी पहले उन्होंने क्या किया कि जो 1 ग्रेन थी उसको उन्होंने सॉलिड में कितने सॉलिड में डाला, यहाँ पे 110 ml के अंदर। 110 ml मतलब कितना, 100 ml इतना हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी हिसाब से जो सॉलिड है, अगर जैसे दूसरी एग्जांपल दी है उन्होंने, फिर ये तीन फार्मूले कि अगर तुम मैट्रिक इंपीरियल सिस्टम कर रहे हो, तो इंपीरियल सिस्टम के अंदर इन्होंने 3 फार्मूले दिए हैं, ये A, B, C। तो जो पहला फार्मूला है उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला है कि अगर तुमको वन ये जो प्रिपरेशन बनानी है, तो अगर हम तुमको
इसके लिए तीन फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले की मदद से तुम ये प्रिपरेशन बना सकते हो। जो पहला फॉर्मूला कौन सा है कि जो सॉलिड है उसमें 1 ग्रेन लेना है आपको और उसको किससे सॉल्वेंट में डालना है 110 m के अंदर। और दूसरा फॉर्मूला क्या बोला उन्होंने कि 4.375, तो ये 4.37 क्या है, ग्रेन है। ग्रेन मतलब क्या कि यहाँ पे हमने 1 ग्रेन लिया, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे मतलब कितने 4 ग्रेन लेना है हमको। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हमको 4 ग्रेन। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो क्या है कि तीसरा फॉर्मूला सॉलिड 35 ग्रेन है, और उसके बाद में इसको अगर हमको बनाना है तो इसको सॉल्वेंट प्रोड्यूस कितना करना है हमको, उसको 8 फ्लूइड आउंस के अंदर, 8 फ्लूइड आउंस। अच्छा, तो ये सब देखो क्या यहाँ पे ना कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने क्या किया है, जैसे कि हम हमारे नोटबुक में देखते हैं कि क्वांटिटी गिवन वहाँ पे ऑलरेडी दी हुई होती है ना, तो उस तरह से उन्होंने क्वांटिटी गिवन के फॉर्मूले दिए वहाँ पे, और इसी के बेसिस पे हमको जो हमारी प्रिपरेशन बनानी है उसका हमको वेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला देखो ये सब फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर्मूला ए अबव शुड बी यूज्ड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज स्मॉल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज वीक। मतलब कि हम पहला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे कि जिसमें जो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो कितनी है, अगर वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कम है और एंड द स्ट्रेंथ, और उसकी जो स्ट्रेंथ है देखो हमको 1% ही बनाना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। तो हमको ये जो प्रिपरेशन कब यूज़ करनी है कि जहाँ पे ये पहला फॉर्मूला कब यूज़ करना है हमको कि जब अबव शुड बी यूज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज स्मॉल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज वीक। मतलब कि अगर हमको समझो फॉर एग्जांपल 30 ml की कोई प्रिपरेशन बनानी है या 10 ml की कोई छोटी सी प्रिपरेशन बनानी है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर्टिकुलर, जैसे कि जो परसेंट है वो भी 1% है या 2% है, इस तरह से अगर कम है, तो हम कौन सा फॉर्मूला रेफर करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर बी एंड सी शुड बी यूज इन अनदर केस। तो जो फार्मूला नंबर बी एंड सी है वो कौन सी सिचुएशन में यूज़ करेंगे हम, जब हमको लार्ज वॉल्यूम अगर हमको बनाना होगा तब। तो जो प्रिपरेशन ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन मैट्रिक्स सिस्टम, तो देखो ये इन्होंने किस इंपीरियल सिस्टम दी थी और ये उन्होंने दी है मैट्रिक्स सिस्टम के लिए। तो जिस तरह से मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है कि सॉलिड हम लेते हैं 1 ग्राम और उसको कितने सॉल्वेंट डालते हैं हम 100 ml के अंदर। तो अगर हमने 1 ग्राम सॉल्यूशन लेके उसको 100 ml सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसको हम बोलेंगे 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये है मैट्रिक्स सॉल्यूशन के हिसाब, मैट्रिक्स सिस्टम के हिसाब से, और ये जो वाला है ये है किसके हिसाब से, इंपीरियल सिस्टम के हिसाब से। सो प्रिपरेशन ऑफ परसेंटेज सॉल्यूशन बाय डाइल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मतलब अगर देखो अगर आपको ऐसी प्रिपरेशन बनानी है कि प्रिपरेशन ऑफ अगर हम बाय डायलेटिंग द कॉन्सेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है आपके पास, जैसे कि आपको बोला है कि आपके पास में 0.95% अल्कोहल है, इस प्रिपरेशन में से आपको 5% अल्कोहल बनाना है, तो ये इसमें से क्या करना है हमको, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस है उसमें से हमको एक क्वांटिटी लेकर क्या करना है उसको, हमको उसको डाइल्यूट करके बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने तीन फॉर्मूले दिए, कौन कौन से, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। मतलब कि इस फॉर्मूले में क्या करना है हमको कि हमको जो वहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो स्ट्रेंथ है यानी कि वो जो हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि 95%, अगर उसकी स्ट्रेंथ वैसी है 95% या 90% अल्कोहल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 और डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि हमको उसको कितना डिसॉल्व करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वॉल्यूम फॉर स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड, मतलब अगर हमको किसी अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की प्रिपरेशन बनानी है तो इसमें क्या करें, वॉल्यूम रिक्वायर्ड वो कितना वॉल्यूम बनाना है वो, फिर उसके बाद में इस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 0.15% एक्सेट्रा, और परसेंट यूज मतलब कि उस पर्टिकुलर परसेंट में, मतलब जो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेट सब्सटेंस था उसका कितना परसेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन था वो, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पर डाल के हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फिर वेट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड टू बी यूज, मतलब कि कितना वेट हमको उसका रिक्वायरमेंट, अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हम वो वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे हम कि हमको कितना वेट रिक्वायर्ड है कि भाई हमको कितना वेट लगने वाला है, इस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड कि उस पर्टिकुलर, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल 30 ग्राम की हमको प्रिपरेशन बनानी है तो 30 ग्राम के लिए इसका जो परसेंट है वो कितना होना चाहिए, उसका परसेंट फॉर एग्जांपल 1 होना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा 1। और परसेंटेज यूज मतलब क्या कि जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास में या कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस हमारे पास में पड़ा है तो उसमें से उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो
Wherever possible, the metric system should be used even if the quantity is demanded in the imperial system. The calculations are made using convenient metric quantities. In the case, it is necessary to transpose the formula from the metric to the imperial system. The following relationship may be applied. देखो उन्होंने इसमें क्या बोला है कि अगर तुमको प्रिपरेशन बनानी है तो तुमको मेट्रिक सिस्टम ही यूज़ करनी है, लेकिन अगर तुमको वैल्यू वहाँ पर जो है वो इंपीरियल सिस्टम में दी हुई है तो सबसे पहले तुमको उस वैल्यू को मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको बनानी है। इस तरह से उन्होंने कहा है और उसमें उन्होंने रिलेशनशिप दी है कि जो 1 ग्राम ये किसकी 1 ग्राम है तो ये 100 ml, तो ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया ये किसका हुआ, फिर ये हुआ मेट्रिक सिस्टम के लिए। लेकिन फिर उन्होंने इंपीरियल के लिए भी दिया है कि 1 ओवियर, फिर उसको लिखा है वहाँ पर उन्होंने 100 फ्लूइड वॉन्स, फिर उसके बाद में क्या लिखा है 4.375 ग्राम इन 1 फ्लूइड ऑन्स और फिर 1 ग्रेन इन 100 ml। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है जिसके अंदर उसके रूल है उसको पढ़ने के लिए। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, ये जो लिखा है यहाँ पे सब, देर आर टू रूल्स विच मे बी अप्लाई। तो कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं, पहला रूल जी मे बी रीड एज ओज, मतलब कि जो 1 G लिखा है उन्होंने तो मतलब जो 1 G यहाँ पर है उसको हम कैसे बोलेंगे कि ये क्या है 1 ओज है, यानी कि वो क्या है ये 1 ओज है। एंड ml में भी, और जो ml है मे बी रीड एज क्या क्या बोलेंगे इसको हम फ्लूड ऑन्स, मतलब जो ml है उसको कैसे बोलेंगे यहाँ पे फ्लूड ऑन्स। और जो दूसरा रूल है वो क्या है कि जी मे बी रीड एज ग्रेन, तो मतलब जो यहाँ पे ग्राम है उसको क्या बोलेंगे हम जी को ग्रेन रीड करेंगे हम उसको। और ml may be read as minimum after adding 10% to the figure, मतलब अगर हमको जो ml है वो किस तरह से denotify करेंगे हम 10% to the figure। So rule 1 is applied for large batches and rule 2 is applied for small batches। तो ये जो दो रूल है उसमें से जो पहला रूल है वो हम कहाँ अप्लाई करेंगे, रूल फर्स्ट जब अगर हमको छोटी सी प्रिपरेशन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 30 ml की प्रिपरेशन बनानी है, 10 ml की प्रिपरेशन बनानी है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम जो है वो पहला वाला रूल यूज़ करेंगे। और जो पहला वाला रूल है वो हमको लार्ज बैचेस के लिए यूज़ करना है, और जो सेकंड रूल है वो हमको कहाँ स्मॉल बैचेस के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो वी विल डिसाइड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।